अजान क्या हुआ बताओ मुझे, ऊपर मुंह करो। हैं? कौन से? क्यों मारा? ऊपर मुंह करो। मेरी लड़ाई हो गई थी। ऊपर तो मुंह करो, बताओ तो। मुझे तुम्हारे अमरीकू अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और आज चने का सालन लेकर आए थे रात को हस्बैंड, वो मैंने गर्म किया, पराठे बनाए बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल से आ गए, जल्दी से खाना वाना खिलाती हूँ इनको और फिर मदरसा भेजती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी प्यारे लग रहा है आपका कुर्ता, तो चांदी के बटन नहीं है, किसने दिए है? बहुत प्यारे लग रहे हो आज तो, आप हैंडसम लग रहे हो बिल्कुल। डॉक्टर लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या खा रहे हैं आप? बिरयानी खा रहे हैं, अम्मी के यहाँ से बिरयानी आई थी वो खा रही है, और आज तो मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है सर। हेलो जी, तो अभी हो रहा है रात का टाइम और बच्चे देख रहे हैं टीवी, अफान सो गए हैं, अफान इतना प्यारा सोते हैं, इतना प्यारा सोते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको अफान कैसे सोते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं ब्लैंकेट पे, बैठे बैठे ऐसे करके सो जाते हैं, मैं दिखाती हूँ। और आयशा मैडम ना किसी भी टाइम तैयार होकर बैठ जाए। निंदो आ रही है आपको, निंदो छोना है, छोनो 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 अच्छा सो जाओ, मेरे पास जितना भी सामान है उसकी सारी रेयरिटी खत्म हो जाएगी। हेलो एच भाई, रेडी होना इस रेस के लिए? कोर्स भाई, आप बताओ रेडी हो या नहीं। चलो फिर ठीक है, 3 2 1 लेट्स गो। लेट जाओ जी। आयशा मैडम तो तैयार होके इतनी प्यारी प्यारी लग रही हैं, प्यारी प्यारी, ये लिपस्टिक किस खुशी में लगाई? मेरी बर्थडे आज है। आपकी बर्थडे आज, यहाँ पर तो आओ है, गरारा गरारा पहना हुआ है, और तुमने क्या करा हुआ है बाल तो देखो अपने, क्या कर रही हो, ऊपर नहीं चढ़ो। आयश छोड़ दो उनको, आप बताओ क्या लिखा हुआ, मैं बताती हूँ। Let me read. We are ready to shine. सही से नहीं काटा, इनको काटने ही नहीं आता ठीक है। आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको एक न्यू व्लॉग में, एक नए दिन के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बच्चों की ना, मेरे युवान अजान मदरसे वाले बच्चों की एक हफ्ते की पूरी छुट्टी पड़ गई है, क्योंकि सर्दियों का जो है ना और भी स्पेल जो आया है नया वो बहुत ज्यादा है, और सुबह में बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ी हैं, इसलिए इनकी 1 वीक की छुट्टी पड़ गई है। लेकिन अफान आयशा को स्कूल जाना है और आज है युवान अजान की छुट्टी, तो उनका हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने हलवा पूरी मंगाई है। और अफान आयशा की भी आज छुट्टी हो गई, क्योंकि मेरी आंख थोड़ी देर से खुली थी, इनको लेट हो गया था, और रात से ना मेरी तबीयत इसलिए थोड़ी सी खराब थी, सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से मैंने ये टोपा पहना हुआ है। कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताइएगा, सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए हस्बैंड ने बोला आप टोपा पहन के रखो, क्योंकि ठंड से ना आपके सर में दर्द हो जाता है, एलर्जी है ना मुझे। कल मैंने सारे दिन कपड़े धोए थे और कल पूरा दिन मेरा कपड़े धोते हुए गुजरा, और पानी इतना ठंडा था, यकीन करें बहुत ठंडा पानी था टंकी का, जिससे मैंने कपड़े धोए, और इसकी वजह से मुझे थोड़ा ना सर में दर्द हो गया था ठंड के मारे। दोपहर में मैं सो गई थी, फिर दोपहर में नहीं, तकरीबन 4 बजे के बाद मैं सो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया है। खाने में मैंने बनाए थे आलू मटर और गाजर सब मिला के वेजिटेबल पुलाव, जो कि बहुत मजे का बना था, और अभी खाएंगे हम हलवा पूरी। तो रहिएगा हमारे साथ, डोंट गो एनीवेयर, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन पुश करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, और चैनल वीडियो को लाइक करना और
कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। मैं इंशाल्लाह आपको हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। चले जल्दी से चलते हैं, नाश्ता वाश्ता बनाते हैं और बाकी की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। अजान जा रहे हैं हलवा पूरी लेने अपने लिए, इनकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं और ये हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा है। जाइए, आप कैसे जाओगे, आओ अंदर आओ जी। तो यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, हलवा पूरी पराठे ते हलीम और साथ में गर्मा गर्म चाय। बच्चों की आज छुट्टी है तो इनको थोड़ा ढंग का नाश्ता करने को मिल रहा है भाई अजान, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी में मदरसे जा रहे होते हैं ना कि बिल्कुल टाइम नहीं होता उस टाइम। बस जल्दी जल्दी जो भी सालन पराठा होता है वो खा पी के चाय का घूट लेके चले आते हैं। और आज मैंने कहा थोड़ा तसल्ली से नाश्ता कर लेंगे आराम से, बच्चों की छुट्टी भी है थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। अफान आयशा की भी छुट्टी हो गई है। आयशा कैसा लग रहा है, आयशा मज़ा आ रहा है, अफान आपको मज़ा आ रहा है हलवा पूरी खा के। चलो मैं भी नाश्ता शुरू करती हूँ, मेरी चाय वरना ठंडी हो जाएगी। आपको पता है मैं बिल्कुल गर्मा गर्म चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ ट्यूशन और मदरसे का। और सामने जो सारे कपड़े धुले हुए मैंने रखे हैं ना, ये मुझे तय भी करने हैं, अभी सेट करने हैं, अलमारी में रखने हैं। जल्दी से मैं इनको याद कराती हूँ और ट्यूशन मदरसे का, उसके बाद इन्हें पढ़ने भेजती हूँ, फिर बाकी का काम सेट करती हूँ। तैयार हो गए आप मदरसे जाने के लिए, सबक याद करो। तो यहाँ पर तैयार हो गए हैं अफान जी, कितने प्यारे लग रहे हैं अफान, माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हो ना, साफ सुथरे। मदरसे जाने के लिए रेडी हो गए बिल्कुल, टोपी सिपारा लो और जाओ जल्दी से पढ़ने के लिए। बाय बाय, दोबारा करो बाय बाय। लोशन लेकर आओ, लोशन लगा लो जल्दी से। के खाने में मैंने बनाया था वेजिटेबल पुलाव और सर्व किया था अचार के साथ और रायते के साथ, बहुत ही मज़ेदार बनता है। लाइट से गजाइए और रात में बेस्ट है कि अगर आप चावल खाना रात में पसंद करते हैं तो आलू मटर गाजर और बंद गोभी वगैरह किसी भी चीज़ का पुलाव बनाएं, क्योंकि बहुत लाइट होता है, आराम से हज़म हो जाता है। सर्दियों में वैसे भी खाना देर में हज़म होता है, इसलिए आप हल्के फुल्के खाने खाया करें, ज़्यादा रोगन वाली चीज़ें, ज़्यादा मुर्गन गजाएँ खाने से थोड़ा सा रात में अवॉइड किया करें, दिन में खा लिया करें ऐसी चीज़ें। बस यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा हमने खाना बनाया था और अजान के साथ हो गया था आज बड़ा वाला सीन। अजान क्या हुआ बताओ मुझे, ऊपर मुंह करो। हैं कौन से क्यों मारा, ऊपर मुंह करो। मेरी लड़ाई हो गई थी, ऊपर तो मुंह करो, बताओ तो मुझे क्या हुआ था, ऐसे क्यों रो रहे हो। अल्लाह मेरे बच्चे को किसने मार दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। किसने मारा है, रोए जा रहे रोए जा रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बताओ तो। हंसी आ गई मुझे तुम्हारे रोने, बहुत ही गंदा रोते हो वैसे अजान तुम, किसने मारा जल्दी बताओ। आप मेरे साथ चलो। मैं कहा चलो, उसको मार दे, बच्चे को मैं मारूंगी बेटा, उसके अम्मी से लड़ने चलो। तो लड़ाई की क्यों थी आपने, चलो 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 भैया चलो भैया। रोज का यही है बस, लड़ाई लड़के किसी ना किसी से आ जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। तो अजान को मैंने समझा दिया है कि भैया आज के बाद आप किसी दोस्त से लड़ना नहीं और फिर मार नहीं खाना उनसे ना खुद मारना। तो बच्चे हैं, बच्चों में तो ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। हम भी छोटे थे तो हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी और मैं अपने दोस्तों को बहुत मारती थी, मैं अपनी बहन को भी बहुत मारती थी। मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, बचपन में इन्होंने मुझसे बहुत मार खाई है, भाई से भी मेरी नहीं बनती थी मैं, बस सब बहुत लड़ाका थी, शायद बच्चे मेरे ऊपर ही चले गए। लेकिन इनके मेरे हस्बैंड जो है ना, इनके फादर, ये भी कुछ कम लड़ाका नहीं थे, बचपन में हर वक्त उनकी लड़ाइयाँ आती रहती थी। मेरी सास बताती हैं और बताती थी कि ना बहुत ज्यादा लड़ाई करता था और हर वक्त शिकायतें आती रहती थी। तो हम दोनों में से किसी एक पे बच्चे चले गए और मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा शरारती और नॉटी जो है वो अजान है। बाहर के मामले में यानी बाहर से जो है ना झगड़े और लड़ाइयाँ शिकायतें लेकर आते रहते हैं।
तो बस बच्चों का तो यही है, बचपन में अगर शरारते ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, तो फिर उन्हें बच्चा ही कौन कहेगा, बड़े ना हो जाएंगे वो, और बड़े होंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे और नेक बनेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप के दैट यू लाइक इट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने क्या करना है, आपने जल्दी से लाइक का बटन दबा देना है और एक कमेंट भी करना है मेरे लिए प्यारा सा। और चैनल में नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे अपनी खास खास दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।